Hey, hi everyone. So welcome to my channel in Glam Beauties. आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो कि कैसे भारी साड़ी को पहना जाता है और आप किन दो अलग अलग तरीकों से अपने शोल्डर प्लेट्स को सेट कर सकते हो, साथ ही घूंघट बिना क्लिप बिना किसी वेलक्रो के आप कैसे ले सकते हो, साथ ही दो लहंगे स्टाइल भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो साड़ी देख रहे हो आप इसको खुद भी खरीद सकते हो अगर अच्छी लगती है तो, और इसको खरीदने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ मैंने इसका डिटेल्स आपको दे रखा है। तो यहाँ पे बिना कोई कंफ्यूज होते हुए मैं आपको बता दूँ कि पल्लू जैसे कि आप सब लोग अपनी लेफ्ट साइड के शोल्डर पर रखते हो, राइट, जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये मेरा राइट शोल्डर है और उसके दूसरे वाला जो मेरा शोल्डर है वो लेफ्ट शोल्डर है। तो आप राइट और लेफ्ट में कभी भी कन्फ्यूज मत होइएगा। और लेफ्ट साइड की तरफ जो हमने पल्लू का ये कपड़ा यहाँ पे रखा था उसको हम पूरी तरीके से अपने लेफ्ट की तरफ कर देंगे और साड़ी का जो दूसरा छोर है वहाँ से हम इसको टक करना शुरू करेंगे। साड़ी को पहनने के लिए मैंने बेस की तौर पे पेटीकोट शेप वियर वाला पहना है। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हो कि शेप वियर वाली पेटीकोट क्या आपके ऊपर अच्छी लगेगी या फिर आप चलने में कंफर्टेबल रहेंगी, तो डियर आपके ऊपर बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी साइज़ भी अलग अलग आती है तो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको खरीद सकते हो। अब हमें क्या करना है, एक राउंड जब हमारी बेसिक राउंड कंप्लीट हो जाती है तो हमें जाना है अपनी पल्लू वाली पार्ट पे। अब इसको हम रफली अरेंज करेंगे। अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है प्लेट्स बनाने की। प्लेट्स बनाने का तरीका भी मैं आज आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल सिखाने वाली हूँ। तो पहले तो आप अपनी पल्लू को ऐसे कंधे पे रख कर देख लीजिए कि इसका लेंथ आपको कितना चाहिए, ठीक है। लेंथ एक बार अगर मेज़र हो जाती है तो इसको घुमाकर आप अपने कमर के पास लेकर आइए। यहाँ पे आपको कमर के पास थोड़ा सा कपड़ा इस तरीके से मेज़र करते हुए छोड़ना होगा। कपड़ा आप इस तरीके से छोड़िए कि वो एक चौड़ी प्लेट्स के बराबर हो और उसके बाद यहाँ पे मैं आप देख सकते हो पेग लगा दे रही हूँ ताकि सामने की प्लेट्स बनाते टाइम यहाँ से कोई कपड़ा एक्स्ट्रा प्लेट में ना अरेंज हो जाए। अब देखिए, अब अगर आप लोगों को सेंटर वाली प्लेट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप केवल कपड़े सुखाने वाले ये दो क्लिप्स ले लीजिए और इसको आप थोड़ी सी डिस्टेंस पे लगाइए। जितनी चौड़ी आपको चाहिए फ्रंट की सेंटर प्लेट्स उसी तरीके से आप बीच में डिस्टेंस दीजिए इन क्लिप्स के बीच में और फिर बस जिगजैग मूव करते हुए हर एक प्लेट्स को से इसको दबाते हुए चलिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्लेट बनेगी ऐसी हेवी साड़ियों में वो आपके हाथों से ना तो छूटेंगी और हर एक प्लेट जो रहेगी एक समान चौड़ाई से बन जाएगी। तो मैंने ये तरीका सिर्फ इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि नीचे की तरफ कढ़ाई आप इसकी देख रहे हो तो काफ़ी हेवी हो जा रही थी, तो दैट्स वाई मैंने आप बिगनर्स के लिए ये अच्छा सा तरीका निकाला है। अब मान लीजिए आप लोगों को ये वाला तरीका अगर पसंद नहीं आता है, मान लीजिए आप कोई और दूसरा तरीका यूज़ करना चाहते हो, तो इसमें आपको करना ये होगा कि अपने राइट हैंड को आपको यूज़ करना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि राइट की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा नेवल तक जाते हुए आपको पकड़ना है और इस अंगूठे को पीछे रखना है फैब्रिक के पीछे और बाकी दो उंगलियां फैब्रिक के आगे अंगूठे के पास ही रहेंगी। दो उंगलियां आपको कैंची की तरह आगे की तरफ निकालना है और बस जिगजैग मूव करते हुए आपको अपनी दो उंगली और अंगूठे से दबाते हुए चलना है। तो इसमें भी जो आपकी प्लेट्स बनेंगी ना वो एक समान बनेंगी, बट ध्यान ये रखना है कि हर एक प्लेट्स के बीच में एक समान डिस्टेंस आ जाए। अब देखिए, राइट की तरफ जो हमारी फर्स्ट प्लेट होती है उसको हमें चौड़ा करना रहता है। चौड़ा इसलिए करना रहता है क्योंकि एक तो राइट की तरफ से वो हमें हमारी कमर के पास शेप देती हैं, प्लस उसे हर एक प्लेट्स की बराबर पूरी तरीके से लेफ्ट की साइड घूमना पड़ता है। तो जब आप इसको अच्छे से देखकर इसको सेट करते हो तो आप नीचे की तरफ अपनी बेसिक राउंड से प्लेट्स की लेंथ मेज़र कर लीजिए और उसके बाद ठीक अपनी बेली बटन के पास इनको टक कर दीजिए। यहाँ पे मैंने राइट की फर्स्ट प्लेट वाली जो लेयर थी उसको मैंने छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा दूँगी। ये क्लिप मैंने इसलिए लगाया है, ऐसे तो यहाँ पे पिन लगाते हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, लेकिन अभी ये टेम्प्ररी के लिए मैंने पिन लगा रखा है। अब चलिए, जब सेंटर प्लेट्स बन गई है तो अब हम अपने शोल्डर प्लेट्स भी बना लेते हैं। शोल्डर प्लेट्स बनाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बॉर्डर है उसका ध्यान रख के
उतनी ही पतली प्लेट्स बनाऊंगी, क्योंकि अगर इस तरीके की चुंदरी वाली प्लस अगर बॉर्डर डिज़ाइन वाली साड़ी है तो आप भी चाहोगे कि आपकी जो बॉर्डर्स हैं वो एक्सपोज हो, और बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाते हुए अगर आप अच्छी तरीके से अरेंज करते हो तो साड़ी आपकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ड्रेप हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये इसका जो कपड़ा है वो जॉर्जेट का है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालना है, एक ही बार में मैं यहाँ पे सभी जो पूरी लेंथ है उसको उठाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, अब इसको हमें अपनी ठीक शोल्डर पे इस तरीके से लगाना है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो ये शोल्डर वाली प्लेट्स है वो आपकी कंधे को थोड़ा सा किनारे की तरफ इस तरीके से निकली हुई रहे। अब ये बॉर्डर हम घुमाएंगे एंड देन हमारा जो ये कमर वाला क्लिप था इसको हम निकालेंगे, और ये जो आप देख रहे हो इतना कपड़ा जो हमने छोड़ा था, ये हमारी राइट की फर्स्ट प्लेट जो निकली हुई थी वहाँ से हम इनको ऐसे बाहर निकालेंगे। देखिए कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि उनका जो कमर वाला हिस्सा होता है या तो ज़्यादा टाइट हो जाता है या नीचे से कपड़ा उनका उठ जाता है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ कपड़े को बाहर की तरफ खींचना है और उनको ट्विस्ट करना है, ज़्यादा कपड़ा नहीं खींचना है आपको, वरना आपका हिप वाला जो साइड होगा वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा जिससे आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी। तो कपड़े को ट्विस्ट करना है, एक नॉट बनाना है, नॉट बनाने के बाद उनको टक करना है, एंड लास्टली आपको आपकी जो राइट की फर्स्ट प्लेट थी उस कपड़े को अंदर की तरफ टक कर देना है। अब आपको लेना है एक पिन, और पिन लेते हुए आपको अपनी कमर वाला ये जो आया हुआ था स्ट्रेट कपड़ा वो और अपने सेंटर प्लेट्स को साथ में लेते हुए एक पिन लगा देना है। तो इसी के साथ आपका जो ये होगा नेवी स्टाइल वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जितनी भी एक्स्ट्रा यहाँ पे आपने क्लोथिंग्स वाली पेग लगा रखी है उसको आप रिमूव कर दीजिए। तो दूसरा पल्लू स्टाइल जो है वो होगा हमारा फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल, जिसमें आपको अपनी पल्लू वाला जो साइड है उसको प्लीट्स में अरेंज करना है। देखिए प्लीट्स और प्लेट्स में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीट्स को ही हिंदी में हम प्लेट्स कहते हैं, वो खाना खाने वाला प्लेट्स नहीं कहते। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि प्लेट्स का मतलब तो खाना खाने वाला होता है, तो ऐसा नहीं है, कई लोग प्लेट वर्ड भी यूज़ करते हैं इसके लिए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वाली बॉर्डर पे एक पिन लगाना है, और पिन ठीक हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे हमारा लेफ़्ट साइड का बस्ट अच्छी तरीके से कवर होता है। और अब हम इस तरीके से बॉर्डर को अपनी शोल्डर के ऊपर उठा लेंगे एंड देन जहाँ भी पीछे तक जितनी दूर तक आपकी हाथ जा रही है वहाँ पे एक पिन लगा देंगे। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद ये बॉर्डर वाली साड़ी में कितनी अच्छे से जच रही है। तो अगर आप भी चाहो तो किसी भी फंक्शन में अगर पहनना चाहो फ्रंट फ्लैट पल्लू, तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। अब चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसी साड़ियों में बिना किसी हेयर क्लिप या बिना किसी वेलक्रो के आप कैसे घूंघट ले सकते हो। तो सबसे पहले तो आप पीछे की तरफ जूड़ा कर लीजिए अपने बालों को, और उसके बाद देखिए ये जो आपका लेफ्ट साइड की शोल्डर के पास ये जो बॉर्डर आता है इसको आपको ना कुछ इस तरीके से सेट करना होगा कि बॉर्डर आपकी बिल्कुल भी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको वी बनाना है। ठीक है, वी बनाते हुए अगर आप इसको पिन यहाँ पे लगा देते हो तो आपको बॉर्डर यहाँ पे बार बार घुमानी नहीं पड़ेगी और बिल्कुल स्ट्रेटली आपके सर पे ये दिखेगी। तो यहाँ पे पिन लगाने के बाद अब हम इसको अपने सर पे रखेंगे, और दूसरी तरफ जो हमारा ये दूसरा वाला जो हिस्सा है ठीक हम यहाँ पे भी एक पिन लगा देंगे। और देखिए आप पिन लगाने के बाद अब आप कोई भी काम कीजिए, चाहे पूजा पे बैठिए या फिर पूजा कीजिए कहीं मंदिर जाकर, आपकी ये पल्लू आपके सर से बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। और साथ ही साथ इसमें ऐसा होता है ना कि पल्लू अगर आप सर पे लेते हो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है तो आपकी पल्लू सरक कर बार बार नीचे की तरफ चल जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ नहीं होगी।
नेक्स्ट स्टाइल के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है केन केन स्कर्ट की, या फिर आप चाहो तो इस तरीके के फ्लेयर स्कर्ट भी पहन सकते हो जो कि थोड़ी सी फुली हुई दिखे, उसमें वॉल्यूम होनी चाहिए। अब आपको बिल्कुल अपनी लेफ्ट साइड के बिल्कुल कॉर्नर से आप जितना चाहो उतनी पीछे की तरफ से ये प्लेट अरेंज कर सकते हो, लेकिन आपका ये लेफ्ट साइड की कॉर्नर पे ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको चौड़े चौड़े से प्लेट्स थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखते हुए बनाना है और टक करना है। अब आप लोगों को अगर लगता है कि ऐसी भारी साड़ी खुल सकती है तो आप बीच में पिन लगा लीजिए। पिन आपको ऐसा लगाना है जो साड़ी वाली आती है ना, जिसके ऊपर थोड़ा सा चौड़ा पट्टी रहता है, तो वैसी क्लिप आपको लगानी है, जिसकी वजह से आपका साड़ी का जो फैब्रिक है वो भी ख़राब ना हो। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि इसको हमें जैकेट का लुक देना है। जैकेट लुक देने के लिए ये जो हमारा चुंदरी वाला हिस्सा है इसको हम पीछे की तरफ से बिल्कुल इस तरीके से लाएंगे और अपनी दोनों साइड की शोल्डर पे रखते हुए एक एक पिन लगा देंगे। सामने की तरफ अगर आप चाहो इसको क्लोज करना, तो क्लोज करने के लिए क्या करो आप कि रेड वाले को पहले तो अंदर की तरफ से मिला लो और कमर के पास आप इसको अच्छे से फिटिंग दे दो, एंड देन ये जो बॉर्डर है हमें इनको ऊपर की तरफ से अच्छे से सेट करते हुए एक पिन लगाना है। और लीजिए इसी के साथ बिना किसी बेल्ट के हमारी जो ये जैकेट स्टाइल वाली लहंगा है वो कंप्लीट है। तो इसमें आप चेन यूज़ भी कर सकते हो या नहीं भी यूज़ कर सकते। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टाइल है वो भी हमारे इसी लहंगे के साथ होने वाली है, बस आपको अपनी लहंगे वाली ड्रेपिंग नीचे की प्लेट्स तक बनाकर कंप्लीट रखनी है। इसके बाद जो चुंदरी वाला पार्ट है हम इसको बिल्कुल पतले पतले प्लेट्स में अरेंज करेंगे और ठीक अपनी लेफ्ट नहीं बल्कि राइट साइड की शोल्डर पे डालेंगे। अगर मान लीजिए आपका जो ये वाला साइड है पीछे की तरफ से कुछ ज़्यादा ही उठ रहा है, तो आप अपनी जो स्कर्ट है जिसमें आपने इसको टक कर रखा है नीचे वाली प्लेट्स को, उसको आप थोड़ा सा घुमा दीजिए लेफ्ट की पीछे की तरफ। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ पे आपको एक पिन लगानी पड़ेगी, पिन थोड़ा सा आप पीछे ही लगाइए क्योंकि अभी हम सामने की तरफ इसको जिस तरीके से सेट करने वाले हैं वो ठीक उसी जगह पे पिन लगेगी जहाँ पे हम अपनी रेगुलर पिन यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा आप नाप लीजिए कि कितने दूर तक ये आपकी पीछे की तरफ जाएगी और ठीक उसी तरीके से आप ये वाली पिन लगा सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे बॉर्डर केवल उठाऊंगी और ऊपर की तरफ से ही इसको मैं पिन लगा दूंगी, क्योंकि बार बार ब्लाउज़ के अंदर की तरफ से पिन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और अगर बात रहे राइट साइड की शोल्डर की तो फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है पिन लगाने में। अब ये जो कॉर्नर हमारा था ये हमारी ब्लाउज़ की एंड में जाकर पिनअप हो जाएगी, एंड देन हमारा जो लुक है वो कम्प्लीट है। अब इसी के साथ मैंने इसमें घूंघट भी ऐड किया है, आप चाहो तो घूंघट नहीं भी ले सकते, बट अगर आप लेना चाहो तो आप इस तरीके से रख सकते हो अपने सर पे। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं अब आप सब लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो।